जितने भी देश क्रिकेट खेलते हैं उनके पास अपना अपना क्रिकेट बोर्ड होता है जो उस देश में क्रिकेट का जिम्मेदारी रहता है। जैसे कुछ खास क्रिकेट बोर्ड्स के नाम है बीसीसीआई, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड। इनमें से बीसीसीआई दुनिया का रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड है। यहाँ तक कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में भी बीसीसीआई का काफी ज्यादा दबदबा है। अकेले बीसीसीआई का रेवेन्यू बाकी सारे बोर्ड्स के टोटल रेवेन्यू से भी कहीं अधिक है। अब बात करते हैं नेटवर्थ के बारे में, यानी कौन से बोर्ड के पास कितना पैसा है। इस मामले में भी बीसीसीआई नंबर एक पे आता है। इसके पास टोटल 18,000 करोड़ का नेटवर्थ है। इसके बाद है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया 2,843 करोड़, इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड 2,135 करोड़, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 811 करोड़ और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड 802 करोड़। आपको बता दें कि बीसीसीआई कोई गवर्नमेंट बॉडी नहीं है, यानी ये अपनी फंडिंग के लिए भारत सरकार पर निर्भर नहीं है। 2019 अक्टूबर से सौरभ गांगुली बीसीसीआई के प्रेसिडेंट है। दिसंबर 1928 में दिल्ली में बीसीसीआई की शुरुआत हुई थी। इसे बनाने के बाद इंडिया अपना पहला इंटरनेशनल टेस्ट मैच 1932 में इंग्लैंड के साथ खेला था। अब बात करते हैं आईपीएल के बारे में, क्योंकि अगर किसी चीज़ से बीसीसीआई को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है तो वह आईपीएल। 2008 में बीसीसीआई ने आईपीएल की शुरुआत की थी। तब से आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग है और इंडिया में इसके क्रेज के बारे में तो आपको पता ही है। हर साल आईपीएल की मीडिया राइट्स हजारों करोड़ों में बिकती है। हाल ही में न्यूज सामने आया है कि आईपीएल का जो मीडिया राइट्स है 2023 से लेकर 2027 तक वो ईपीएल को पीछे छोड़ दिया है। अब समझते हैं मीडिया राइट्स का मतलब क्या होता है। दरअसल बीसीसीआई टीवी चैनल्स और ओटीटी प्लेटफॉर्म के साथ बातचीत करके आईपीएल के राइट्स बेचता है, ताकि वो प्लेटफॉर्म्स अपने चैनल पे दर्शकों को आईपीएल दिखा सके। इसके बदले ये चैनल्स काफी पैसे देते हैं बीसीसीआई को। इससे बीसीसीआई का फायदा होता है, साथ ही जो चैनल्स है वो भी भारी मुनाफा कमा लेती है। हाल ही में अपडेट के हिसाब से आईपीएल के टोटल मीडिया राइट्स 2023 से लेकर 2027 के लिए 50,000 करोड़ पार कर चुकी है, जो कि ईपीएल से भी ज्यादा है। ईपीएल या इंग्लिश प्रीमियर लीग इंग्लैंड में होने वाली एक फुटबॉल लीग है जो कि महीनों तक चलता है, जबकि आईपीएल सिर्फ 1.5 महीने ही चलता है। इसलिए अगर टोटल मीडिया राइट्स की बात करें तो ईपीएल आगे है, लेकिन पर मैच रेवेन्यू आईपीएल का ज्यादा है ईपीएल से। इतना ही नहीं, आईपीएल अभी के समय 4th richest लीग है पूरी दुनिया में। बीसीसीआई के लिए आईपीएल एक बहुत बड़ी सक्सेस है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बीसीसीआई हमारे देश के इकोनॉमी पे भी काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, इसलिए बीसीसीआई जितना ग्रो करेगा उतना ही हमारे इकोनॉमी को फायदा है। बाकी आपका इस बारे में क्या ख्याल है कमेंट में बताना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना।